आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। जिला नागर कनोल कलवा कुर्ती के रियासती हुकूक की जिदोजहद के रुकन रेशमा नाजीन ने एक वीडियो पयाम जारी करते हुए बिल्किस बानो इस्मत दरी केस के मुलजमीन की रिहाई पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बिल्किस बानो इस्मत दरी केस के मुलजमीन की रिहाई से ख्वातीन का अदलिया पर से एतमाद ख़त्म हो गया है। उन्होंने गुजरात हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस फैसले को वापस लें और बिल्किस बानो को बगैर किसी खौफ के पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का हक वापस दें। उन्होंने इस मौके से कहा कि एक जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी जानिब मासूम बच्ची को माँ के सामने पत्थर पर मार कर ख़त्म करने वालों को रिहा किया जाता है। इससे मालूम होता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बेबुनियाद है। उन्होंने इस मौके से कहा कि जब तक बिल्किस बानो के साथ इंसाफ नहीं किया जाता उस वक्त तक वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। रेशमा नाजीन है, मैं कलवा कुर्ती से हूँ। आजकल जो है 75 साल की आज़ादी का जो तोहफा मोदी जी हमारे को दिए हैं उस पर हम लोग बहुत ताज्जुब में आ रहे हैं कि ऐसा क्या कानून है जो हिंदुस्तान के जो है हमको आज दस्तूर हिंद पे से भी भरोसा ख़त्म हो रहा है और हिंदुस्तान के कानून पे से भी भरोसा ख़त्म करने की जो है हम लोग आज हालात में हैं। एक गुनहगार जो है गैंगरेप करने वालों को आप जो है बगैर सज़ा के जो है उनको आज़ादी के मौके पे तोहफे के तौर पे उनको दे दिए और जो है आज आप बताते हैं कि मोदी जी बताते हैं कि बेटी बचाओ। आप बेटी कहाँ से बचाएं मोदी जी, जो है 3 साल की बच्ची के खातिल को आप आज़ाद कर दिए, गैंग रेप करने वाले खातिलों को जो है आप आज़ाद करके फिरा रहे हैं। इस हालत में कहाँ बेटी की हिफाजत है? आप बेटी पढ़ाओ बता रहे हैं, आप बेटी बचाओ बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हमारा न्याय बहुत अच्छा है बता रहे हैं। आप बताओ ये कहाँ का न्याय है जहाँ पर जो है हर एक को अलग अलग का कानून है, हर एक के लिए अलग अलग कानून बता रहे आप। कहीं जो है सो ज़्यादा कौम के जो लोग हैं जहाँ पर पैसे वाला है वहाँ पर अलग है और जहाँ गरीब का मामला आ रहा है वहाँ पर अलग है। आप जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान की वोट बैंकिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। इस तरह से आने वाली जो है पब्लिक आपको जो है इसका जवाब देंगी, आने वाले हालों में जो है आपका नाम और निशान जो है हिंदुस्तान से मिटा देंगे इंशाल्लाह। और हम लोग जो है इस पर ज़्यादा फाइट करेंगे जब तक कि बिल्किस बानो को जो है पूरा इंसाफ नहीं मिलता, हम तब तक जो है इंशाल्लाह लड़ेंगे और दोबारा कातिलों को सज़ा मिलने तक हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं।